तो गाइस आज के डेट में आप देख सकते हो कि हर कोई अपना खुद का पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो जैसे भारती है और मनीष पॉल है, ये सब सेलिब्रिटीज हैं, इनका काम एक्टिंग करना होता है, एंकरिंग करना होता है, ये लोग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। और चाहे बिजनेसमैन हो जैसे जीरोधा का फाउंडर है, द 1% क्लब के फाउंडर है, क्रेंड है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो खुद का पॉडकास्टिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या ये लोग बेवकूफ़ है अपना मेन काम छोड़ के पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर मैं आपको सच बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। पॉडकास्ट एक काफ़ी पावरफुल चीज़ है जो कि आने वाले टाइम पे पूरा छाने वाला है। तो 2014-15 के टाइम पे इंस्टाग्राम में अकाउंट होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था हर बिजनेस के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। आज के डेट में जैसे पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट एक काफ़ी पावरफुल मीडियम है अपने आप को ग्रो करने के लिए। और वैसे में मैं आज आपको 4 ऐसे चीज़ बताऊंगा कि पॉडकास्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। 4 ऐसे तरीके बताऊंगा कि पॉडकास्ट के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वेलकम टू 100 डेज 100 एपिसोड चैलेंज। अब ये 100 दिनों में मैं 100 वीडियो अपलोड करूंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो काफी ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव रहेगा, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगता है और कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हमारा सब्सक्राइबर नंबर बहुत कम है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम एक अच्छा नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास है कि हम 100 दिन होते होते एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग। ये ब्रांड बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है, चाहे आप कोई पर्सनल हो चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, दोनों केसेस में आपके ब्रांड बिल्डिंग में ये आपको मदद करता है। चाहे पर्सनल ब्रांडिंग हो चाहे आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो हो, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पॉडकास्ट को यूज़ करके आप आपके ब्रांडिंग के लेवल को काफ़ी हद तक आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये एक वर्सेटाइल चीज़ है। आज के डेट में हर कोई जो है देख रहा है, आप आपके नेटिव लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज आपको प्रीफर है उस लैंग्वेज में आप पॉडकास्ट शूट करके, रिकॉर्ड करके, डाल के एक खुद का अच्छा खासा ब्रांडिंग बना सकते हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो। अब सेकेंड जो रीज़न है वो काफ़ी पावरफुल रीज़न है, जो कि फ्री में मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग किसको ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हो, बिजनेस तो बिना मार्केटिंग में टिकते ही नहीं है। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड भी आपका डेवलप करना चाहते हो तो भी उसमें मार्केटिंग का ज़रूरत है। और वैसे में पॉडकास्ट फ्री में आपकी मार्केटिंग करेगा, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए तो पैसा नहीं लगता, इंस्टाग्राम में वीडियो डालने के लिए तो पैसा नहीं लगता, या कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको वीडियो अपलोड करने में पैसा नहीं लगता, वो फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। जो प्रोडक्शन का खर्चा लगेगा बस उतना ही, उसके लिए आपको मार्केटिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं, आपका मार्केटिंग फ्री में हो रहा है यूट्यूब में। और पॉडकास्टिंग का तीसरा रीज़न ये है कि आप एक कॉन्टेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ वीडियो भी आप रिकॉर्ड करते हो तो एक तो आप उसको YouTube में डाल सकते हो, Instagram में डाल सकते हो, Facebook में डाल सकते हो, वो तो हो ही गया, लेकिन उसका ऑडियो को भी बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो आप। मतलब कि आप सिंगल पीस ऑफ कंटेंट से डिफरेंट तरीके से आप लोगों तक पहुंच सकते हो। कोई Instagram में एक्टिव है, कोई YouTube में एक्टिव है, कोई Facebook में एक्टिव है, तो कोई Spotify में एक्टिव है, कोई Wink में एक्टिव है, कोई Audible में एक्टिव है, तो हर ऐसे प्लेटफॉर्म में जो भी है आप एग्जैक्टली आप देख लीजिए, हर उस प्लेटफॉर्म में आप रीच आउट कर सकते हो, हर उस ऑडियंस टाइप को आप हिट कर सकते हो सिंगल पीस ऑफ कंटेंट से। सिर्फ हर जो प्लेटफॉर्म में आपको जो ज़रूरत है उस प्लेटफॉर्म में आपके कंटेंट को अपलोड करना रहता है। आप ऑडियो वीडियो अलग करके अपलोड कर सकते हो इजीली और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो बहुत ही आसान से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खास बात है पॉडकास्टिंग का, वो है मोनेटाइजेशन। जी हाँ, एक तो आपको फ्री में मार्केटिंग मिलता है, मार्केटिंग में आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से आप पैसा कमा सकते हो। मैं जैसे कि बोला, आपको सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा आएगा, प्रोडक्शन के खर्चा होने के बाद आप वहाँ से पैसा कमा भी सकते हो। YouTube के एडसेंस हो गया, आजकल Facebook से भी पैसा मिलता है और
बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको पैसा मिलता है। एक टाइम के बाद आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्टिंग के थ्रू एक ठीक ठाक क्या बोलो, बहुत मोटा रकम भी कमाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमाते हैं, आप भी कमा सकते हो। तो स्टार्ट पॉडकास्टिंग। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो पॉडकास्टिंग के माध्यम से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करना मत भूलिए। हम बिजनेस को पॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए थ्रू द पावर ऑफ पॉडकास्ट। तो नीचे जो ईमेल आईडी दिया गया है वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।